खबर सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां अपराधी बेलगाम हो गए हैं। दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने से आम लोगों में दहशत है। इस सप्ताह की दूसरी घटना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगेश्वर सुपौल मार्ग पर दुर्गा स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम बेखौफ अपराधियों ने पेप्सी ठंडा सप्लायर से हथियार का भय दिखाकर लगभग 60,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वैन में 2 आदमी सवार होकर जा रहे थे, तभी एक काले रंग के पल्सर पर 2 बेखौफ अपराधियों ने ठंडा लेने के बहाने गाड़ी रुकवाया और फिर हथियार का भय दिखाकर लगभग 60,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ठंडा सप्लायर ने घटना की सूचना पिपरा पुलिस को दी है। घटना की सूचना पर पिपरा पुलिस विनोद कुमार सिंह व DSP कुमार इंद्र प्रकाश दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित से पूछताछ करते हुए छानबीन में जुट गई है। मेरे से 50-60 हज़ार रुपए छीन लिया, बंदूक दिखा के पेट में सटा दिया था और जेबी में से 500 रुपए भी ले लिया था। टोटल था मेरा खर्च भैया। कितने आदमी था वो? वो 2 आदमी था, पल्सर से था, बिना प्लेट नंबर था, बैग सहित लेके चला गया और गाली गलौज भी किया और भाग गया। बोला कि कुछ बोलेगा तो मादरे को मार देंगे। कौन सा कलर का गाड़ी था? ब्लैक कलर का 125 cc का पल्सर था। तुम लोगों को रोका बीच में? क्या बीच में रोका? बोला कि हम माल लेंगे, माल देने के बहाने वो गोली सटा दिया पेट में। बोला कि मादरे जो कुछ बोलेगा तो हम मार देंगे सीधा जान से। आदमी को पहचानते हो? कौन सा जगह पहचानते हैं? कौन सा जगह घटना हुआ? यहीं पे घटना हुआ। कौन सा जगह?